कोई काम नहीं हुआ आज तक, सब वोट लेने का भागी है और कुछ नहीं हुआ। कौन आगा बहन जी प्रणाम, हार पिना देता है पैसा दे, रोट बना देंगे फलना, क्या बनाएगा अब रामगंज, कभी चले जाए यहाँ से। रास्ता नहीं मिलता है, कपड़ा खोल के जाना पड़ता है डिप्टी करने के लिए। पावर चलता है उनके सामने, ज्यादा बहस करो तो बोलेंगे कि फालतू में तुम सब गरीब आदमी अनपढ़ गवार हो, फालतू में बहस करते हो तुम सब। अच्छा देख लेंगे, मतलब डराते हैं, डराते हैं। और रोड बनाने का पारी आता है साला बिल में घुस जाता है। सही बात है, सही बोल रहा हूं, बता रहा हूं मैं कि ये 0 नंबर गली से लेके 10 नंबर गली तक ये कृष्णा कॉलोनी की गली है और 2 नंबर गली अमेरिका की है। इस वजह से नहीं बन रहा है, 20 सालों बिल पास नहीं हो रहा, ट्रंप जो है ना ट्रंप वो पास नहीं कर पा रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। पार्षद बदले, विधायक बदले, सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदली तो वो है लोगों की समस्या। नमस्कार, देखो फरीदाबाद से मैं हूँ विशाल और इस समय मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 1 कृष्णा कॉलोनी में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? पप्पू दास। पप्पू जी नाम है, वार्ड नंबर 1 ही लगता है ये। हाँ, तो ये गली की हालत जो है वो क्या बिगड़ा हुआ हालत है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करता है, कोई भी आता है आदमी कोई देखने नहीं आता, यहाँ पे गली पूरा बेकार है। यहाँ के जो पानी बारिश पड़ता है तो चलने का रास्ता नहीं मिलता है, कपड़ा खोल के जाना पड़ता है ड्यूटी करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए कपड़े को ऊपर करके जाना पड़ता है। हाँ गंगा जी, क्या नाम आपका? प्रदीप मंडल। प्रदीप जी, प्रदीप जी कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 25 साल से हैं। 25 साल से रह रहे हैं? 25, सबसे पहला मकान ये है और दूसरा मकान मेरा है। अच्छा। हाँ 25 काम हुए हैं यहाँ पे? कोई काम नहीं हुआ आज तक, सब वोट लेने का भागी है और कुछ नहीं हुआ। कौन है यहाँ का गली का जैसा देख लो क्या जैसा? कभी समस्या को लेकर के आपने सब गए क्या बार गए कि एगो लाइट दे दो, हम पैसे लगा देते हैं, दे दो लाइट, कोई भी? लाइट भी कुछ नहीं दिया, चल चल बार पच पच बार गया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं। क्यों? अब क्यों क्या हम समझे, वोट दो अपना पेट भरेगा, अगर अपना पेट भरेगा। अगर अब की बार यहाँ पर पार्षद जो मौजूदा है वो वोट मांगने आए तो क्या दोगे उसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, कह देंगे सीधे चले जाइए वापस, वापस चले जाइए भैया, ये देख लो दशा क्या है। कौन है पार्षद यहाँ के, पता है आपको? अभी सपना डागर। अगर वो आगे वोट मांगने अभी यहाँ आवेगा तब ना, आवेगा तो जवाब मिल जाएगा उसको, जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। यानी कि इस गली से वोट नहीं मिलने वाला उन्हें? वोट से हम लोग देंगे नहीं। भाई क्या नाम आपका? शांति देवी। शांति नाम है, कितनी शांति है गली में? कितनी शांति है, तो पूरे शांति है, अगर शांति से बैठे तब ना रोड नहीं बन रहा है, शांति से बैठे तभी नहीं बन रही है रोड, तभी नहीं बन रहा है रोड, तो आवाज कौन उठाएगा? आवाज सब उठाएगा तो मैं भी उठाऊंगा, कल थोड़ा तो होगा, कौन आगा बहन जी प्रणाम, हार पिना देता है पैसा दे, रोड बना देंगे फलना, क्या बनाएगा अब रामगंज, कभी चले जाए यहाँ से, नहीं है यहाँ पर, मतलब पैर पकड़ लेते हैं आके। हाँ, और अब दिख भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं, अगर अब की बार दोबारा आ गए वोट मांगने, कोची मरी भी यहाँ बाहर हो जाएगा तभी नहीं आएगा देखने के, चलो भाई बिहारी है गरीब आदमी है, जाको देखेंगे 4 नंबर गली में 2 नंबर गली में, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मतलब ये रिश्तेदारी की सरकार चल रही है? हाँ, रिश्तेदारी की सरकार चल रहा है, वो जो सोचिए, प्रवासी की कोई देख रेख नहीं है, कोई नहीं देखने। दोस्तों इस समय देखिए ये ट्रांसफार्मर देखिए, बेटा यहाँ से हट जाओ, पहले तो हट जाओ, ऐसे पकड़ को बैठते हैं कि बच्चे नहीं सटेगा, बच्चे सट जाएगा। ये ट्रांसफार्मर देखिए इसी गली में ये, और ये गली भी कोई वैसी गली नहीं है कि पक्की ना हो, गली भी पास है, यहाँ पर फैक्ट्रियां बनी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मौजूदा पार्षद है वो कुछ काम नहीं करते। और वहाँ शहर की तरफ अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं तो वहाँ पर जितने भी रिश्तेदार बस रहे हैं पार्षद के, वो सभी उसका भलाई के काम बताते हैं। भैया क्या नाम आपका? मनीष। मनीष, मनीष जी कब से परेशानी है यहाँ पर? भैया परेशानी जिंदगी भर हो गई, जिंदगी भर जब से आए यही परेशानी है, यही परेशानी है। मतलब कुछ करा है जैसे आप तो फिर नौजवान है, कुछ आवाज़ उठाई हो कभी? कुछ नहीं करा यार, कोई आता नहीं यहाँ पे। नहीं भैया आज हम आए तो आता, आप आए तो अब देखते, होता नहीं होता है काम, वैसे कभी हुआ नहीं है काम आज तक। देखिए ये वीडियो अगर यहाँ के मौजूदा पार्षद के पास जा रही है तो अगर वो आ जाए यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए तो क्या करेंगे? तो मदद करेंगे तो भैया करवा लेंगे, मदद और क्या करा जावे, हम तो चुनाव आने वाले 4 साल से मदद नहीं करी, आज आके करेंगे फिर क्या होगा? तो भैया उसमें भलाई है ना, अगर आज मदद हो जाए तो क्या दिक्कत है? अच्छा आज भी मदद हो जाए, कोई दिक्कत ना है। क्या नाम अंकल जी? मेरा सुनील नाम है। सुनील जी कैसी क्या हालत है यहाँ की स्थिति? यहाँ हालत वही है भैया, गटर जाम है तो पानी जाम है, ड्यूटी जाना है तो कपड़े ऊपर उठा के तब जाओ ड्यूटी। कब से है ऐसी हालत?
यहाँ तो हो गया 25 साल से। 25 साल से ऐसी है। यहाँ पर आप कब से रह रहे हो? मैं तो यहाँ से ज्यादा 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से रह रहे हो, तो आपको कैसे पता 25 साल से? क्योंकि मेरा सास यहाँ 25 साल से रहा। अच्छा, आपकी सास यहाँ रहती थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये? नहीं, वो दोनों गुजर गए। अच्छा, उसका बाद मैं आया हूँ। उनके बाद आए? हाँ, लेकिन आने के बाद भी जो है ना आते हैं, हाँ गली बना देंगे, ये कर देंगे। कौन आता है? जो आते हैं वो मम्मी बताए ना अभी आपको। हाँ हाँ, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। कहने का सब कहते हैं, लेकिन करने का कुछ नहीं कहता कोई, ठीक है ना। और कोई कुछ कह रहा था? हाँ जी, देखे कुछ आप बता रहे थे कुछ? अब ये बोल रहे थे जी, हाँ, कि शुरू से लेके अंत तक यही है, इतने में कभी आ भी जाए बोर्ड लेने, हाँ भैया हाथ जोड़ लेते, बोर्ड ले लेते, उसके बाद बोर्ड मिल गया, उसके बाद गली का हालत नहीं देखे, गली का हालत क्या हो रहा है। एक मैं चीज कहना चाहूंगा, एक जो मेरे मन में सवाल है मैं वो रखना चाहूंगा। जब चुनाव का समय आता है तो कुछ इनके जो नेता होते हैं, इनके द्वारा पैसे दिए जाते हैं, दारू की बोतलें दी जाती हैं। नहीं नहीं, एक मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। जब दारू की बोतलें दी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, उस टाइम पर लोग बिक जाते हैं? बिक नहीं जाते, यहाँ का आदमी बिके नहीं है। यहाँ का आदमी आते हैं भैया, आते हैं, कुर्सी देते हैं, चाय पानी देते, ठंडे देते, फिर भी उसको आंख में शर्म नहीं है जरा सा भी, कि तुम उसको गली तो बना दे। मतलब यहाँ से किसी ने पैसे नहीं लिए उनसे? नहीं, उससे कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा। कोई चीज का 1 रुपए नहीं लिया, और आया भी तो वापस चला गया, बना के नहीं गया, बना के नहीं गया। और ये बता, अभी तो 2-4 दिन सूखी, अभी 2-4 दिन पहले आते यहाँ से, यहाँ तक यहाँ ऐसे उठा के सारे जाते आते हैं, पूरे लेटिंग बाथरूम सारे बहते रहते हैं पानी। अगर अभी आ जाए सपना डागर, कह जी वोट दे दो मुझे, जैसे आप बता रहे हैं, जैसा आंटी जी ने बताया हाथ जोड़ के, तो वोट देंगे क्या? हाथ जोड़ के वोट नहीं देना यार, वोट सही नहीं बना। क्या बोले और क्या? ऐसे ही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे, माला थोड़ो पिना मेंगे, 4 गो माला सीधे तो जैसे पड़ा उसे पर चले जाइए। प्रधान तो बोलता है कि मकान नीचे हो गया, मकान ऊपर उठवा दो। अच्छा, कौन कौन से मकान उठवाओ? कौन कौन से मकान उठवाओ बताओ? मकान 1 रुपये 2 रुपये में तो बनता नहीं है, आज के डेट में मकान लाखों रुपए से ऊपर जाता है। मतलब सड़क बनवाने से बढ़िया मकान उठवा लो सारे। हाँ, मकान उठवा लो और वोट उनको दे दो। अच्छा, वोट उन्हें होते उन्हें दे दो 5 साल के लिए, मकान ऊपर उठवा लो, उनका कहना। ये आपने उनसे पूछा नहीं, अगर मकान उठवाने के पैसे होते हमारे पास तो यहाँ किराए पे रह रहे होते? वही तो बात है, वो तो उन्हें समझना चलता है उनका पावर चलता है। उनके सामने ज्यादा बहस करो तो बोलेंगे कि फालतू में तुम सब गरीब आदमी अनपढ़ गवार हो, फालतू में बहस करते हो तुम सब। अच्छा, देख लेंगे। मतलब डराते हैं और क्या डराते हैं। मतलब ये देखिए, ये चीज मेरे को भी उनके इलाके में जब मैं गया तो वहाँ के लोगों में दिखी मेरे को, तो कोई सामने आकर के नहीं बोल रहा है। क्यों बोलूंगी? बोलूंगी क्यों नहीं? 10 बार आ गए यहाँ पे, नापी करवा गए, ये करवा गए, आज जेसीबी आया था, मंगल को जेसीबी आया, अब 20 साल में कभी बन नहीं रहा है। चलो हमारे पास देखना, क्या नरक बसी पड़ी है, कैसे रह रहे हैं हम सब। नरक तो यही है, आगे तो बहुत शायद बहुत ज्यादा है, आगे और ज्यादा है। चलो मैं दिखाती हूँ कैसे वहाँ पे टूट रहा है, कैसे आगे डूब रहा है। जो पार्षद है यहाँ के, क्या माफिया है क्या? कोई माए बाप है ही नहीं, नहीं जो बस वोट लेने के नाम पे है। जो पार्षद है यहाँ के वो माफिया है, अब जो समझ लो भैया। आप कह रहे हो डराते हैं, तो आप डर जाते हो? डरेंगे, हमारे बस की है क्या? हमारे बस की कुछ है ही नहीं। अच्छा, हमारे पास की कुछ। देखिए आपको एक चीज बताऊं, बहुत बहुत बड़ी आपके पास शक्ति है, इस समय आने वाले हैं चुनाव, आपके पास है बहुत बड़ी शक्ति, आपका एक वोट बहुत कीमती है। जो शक्ति आपके पास है उनके पास नहीं है, तो अब की बार जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, अपना वोट सोच समझ के दीजिएगा। किसी को भी नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं मिलेगा, किसी को भी वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। अगर आप आपके बीच से ही कोई खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए हम किसी को नहीं देंगे वोट। और जब कोई काम का ही नहीं आता तो वोट। क्या कह रहे हो? पहले काम करवाओ तो मिलेगा वोट। जब पहले काम करवाओ? हाँ जी हाँ जी। पहले सबसे पहले कौन सा काम करवाना चाह रहे हो? गली पक्की करवाओ। गली पक्की? हाँ जी हाँ जी हाँ। सीवर करवाओ और करवाओ जब मिलेगा वोट। जब वोट? हाँ जी। लेकिन ये तो गली पक्की करवाने की जगह कह रहे घर उठा लो। कोई बात नहीं, घर उठवाओ, वो भी उठवाओ। हाँ जी उठवाओ। जब बोले उठवाने के लिए तो उसको बोलो पैसा दे देंगे, उठवा देंगे, एक की जगह 2 बनवा देंगे, कैंसिल क्या है। तो दोस्तों देखा आपने कितना आक्रोश, वोट लेने का पारी आया, साला यहाँ पे भेज दिया माइक लेके, और रोड बनाने का पारी आता साला बिल में घुस जाता है बहन। सही बात है नहीं है? सही बात है बता रहा हूँ मैं। सही बात।
सही बोल रहा है। अगर आपकी बार वोट मांगने आज आपकी बार क्या दोगे? क्या देंगे साले, गाली देंगे, रोड नहीं बनाएगा तो? मैंने तो सुना वो दादा है यहाँ का डॉन है। दादा अपने लिए दूसरे ले ली है, दादा अपने लिए दूसरे लिए नहीं है। हाँ दादा अपने लिए है, दूसरे लिए नहीं है। रोड बनवाओ, वोट लो, ठीक है जी। आपके आप कह रहे हो मकान उठाओ, मकान उठाने के लिए पैसे को आप दे रहे क्या? मकान उठाने के लिए पैसे दे? अगर पैसे होते मकान उठवाने के लिए यहाँ रहते? यहाँ साले को खाने के लिए जुटता नहीं है, साले को मकान उठाने के लिए पैसे आएंगे? साले वो भी नर मकान मालिक आता है, पैसे लेता है, चल देता है, है? रोड बनवाएगा उसका बाप बनवाएगा? दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 में, जहां पर अभी एक जगह बताया गया कि बिल्कुल गली बिल्कुल ठीक है। गली नंबर 4 है, दो है, दो गली नंबर 2 कृष्णा कॉलोनी, गली नंबर 2, गली नंबर 2 में इस समय हम मौजूद हैं आरएस पब्लिक स्कूल के पास में। और जो वार्ड नंबर 1 के पार्षद का यहाँ पर जो कहना है कि उन्होंने अपने इलाके में क्षेत्र में अच्छे कार्य कराए हैं, ये कार्य कराए हैं, यहाँ के लोगों को गुस्सा देख रहे हैं आप। मैं ये सलाह देना चाहूंगा, मैं तो यही कहना चाहूंगा, भूल कर भी इनके बीच में ना आए। सही कह रहा हूँ, बोला तो कहना चाहता हूँ कि ये 0 नंबर गली से लेके 10 नंबर गली तक ये कृष्णा कॉलोनी की गली है, और 2 नंबर गली अमेरिका की है। इस वजह से नहीं बन रहा है, 20 सालों बिल पास नहीं हो रहा, ट्रंप जो है ना ट्रंप वो पास नहीं कर पा रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, ये सामने आपको यहाँ की जगह दिखा दी कि लोगों का क्या कहना था और कितने ज़्यादा यहाँ पर लोग आक्रोश में हैं। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में क्या जो यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं वो एक बार फिर से जीत पाते हैं या फिर इन लोगों की बद्दुआ उनके साथ लग जाती है। तो साथियों इसी के साथ ही देखते रहिए देखो फरीदाबाद, धन्यवाद।